हेलो एवरीवन क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट इसका चैप्टर सेवन ग्लैम्स ऑफ इंडिया इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं इसमें एक्चुअल में तीन चैप्टर्स हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर्स इसमें सिर्फ दो चैप्टर्स के ही पूछे गए हैं तो यहाँ पर पहला चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा फर्स्ट क्वेश्चन है वाट आर द एल्डर्स इन गोवा नोस्टालजिक अबाउट तो गोवा में जो बड़े लोग हैं अधिक उम्र के लोग हैं उनको किस चीज़ के बारे में याद आती है द एल्डर्स इन गोवा आर नोस्टालजिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डे एंड दियर लव्स ऑफ ब्रेड आप यहाँ पर जो गोवा में पहले जो पुर्तगीज़ लोग रहते थे और वो जो ब्रेड का आ, कहना चाहिए जो बड़ा पीस होता है जिसे काट कर छोटी छोटी ब्रेड बनाई जाती है उसे कहते हैं लोफ या लोव्स uh, इसका प्लूरल है तो जो लोव्स ऑफ ब्रेड हैं यानी बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी uh, ब्रेड होती है उसके बारे में उनको याद आती है लोगों को क्वेश्चन नंबर टू इस ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन इंडिया इन गोवा हाउ डू यू नो क्या ब्रेड मेकिंग आज भी पॉपुलर है गोवा में आपको कैसे पता चलता है आंसर इज यस ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा हाँ आज भी गोवा में ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है द नरेटर सीज दैट द मिक्सर मोल्डर्स एंड द फर्नेस स्टील एग्जिस्ट देअ क्योंकि नरेटर हमको बताते हैं कि यहाँ पर आज भी मिक्सर मोल्डर्स और ये भट्टी ये सब आज भी यहाँ पर हैं इसका मतलब है कि अब भी गोवा में ब्रेड पॉपुलर है क्वेश्चन नंबर थ्री वाट इज़ द बेकर कॉल्ड बेकर को क्या कहा जाता है आंसर इज द बेकर इज़ कॉल्ड अ पैडर इन गोवा गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर वैन वुड द बेकर कम एवरी डे वाइट डिज द चिल्ड्रेन रन टू मीट हिम बेकर प्रतिदिन कब आता था और बच्चे उसके पास क्यों दौड़ते थे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे किससे बेकर से, baker से. आंसर है द बेकर वुड कम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वैन ही रिटर्न फॉर आफ्टर सेलिंग इज़ ब्रेड आंसर है कि बेकर हमेशा सवेरे जल्दी आता था और दूसरी बार तो शाम को जब वो जो है ब्रेड बेचकर आता था आंसर है द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम फॉर ब्रेड बेंगल्स बच्चे उसके पास में ब्रेड बेंगल्स के लिए आते थे अब मैच द फॉलोइंग है व्हाट इज़ द मस्ट पहला पूछा गया है इज़ मैरिज गिफ्ट मैरिज गिफ्ट में क्या होना जरूरी था तो आंसर है स्वीट ब्रेड कार्ड बोल स्वीट ब्रेड होना जरूरी रहता था सेकेंड है फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट पार्टी या फीस्ट के लिए क्या जरूरी होता था वो आंसर है ब्रेड क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर अ डॉटर्स इंगेजमेंट इसके लिए सैंडविच जरूरी थे फॉर क्रिसमस कैक्स एंड बोलिनहस ये जरूरी थे अब क्वेश्चन नंबर टू वाट डिड द बेकर्स वियर अब बेकर्स क्या पहनते थे दो अलग अलग समय पर पहला है इन द पुर्तगेज डेज तो यहाँ पर वो पहनते थे कबाई सेकेंड है वैन द ऑथर वॉज यंग और जब हमारे आथर यंग थे उस समय उन्होंने क्या देखा बेकर्स को पहनते हुए तो आंसर है अ शर्ट एंड शॉर्ट ट्राउजर क्वेश्चन नंबर थ्री हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज ड्रैज लाइक अ पैडर ऐसा किसके लिए कहा जाता है कि दे तो पैदर पैडर जैसा तैयार हुआ है और क्यों कहा जाता है आंसर है एनी वन हाफ पेंट इनवाइट्स दिस कमेंट तो आज भी अगर गोवा में कोई हाफ पेंट पहनता है तो उसे पैडर कहते हैं क्यों बिकॉज द पैडर यूज टू वियर सच ड्रेसेस क्योंकि पैडर्स लोग ही इस तरह की ड्रेस पहनते थे क्वेश्चन नंबर फोर वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड Uh, जो बेकर्स हैं उनका मंथली रिकॉर्ड कहाँ पर रखा जाता था आंसर है मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स वर रिकॉर्डेज ऑन सम वॉल इन पेंसिल तो इसका रिकॉर्ड जो है uh, दीवाल के ऊपर पेंसिल से लिखा जाता था क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट डज द जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन जैक फ्रूट जैसी कटहल जैसी अपीयरेंस किसे कहा जाता है आंसर है इट मीन्स हैविंग अ प्लम फिजिक बिल्कुल स्थूल सा शरीर होता है बना शरीर की बनावट होती है उसे कहा जाता है जैक फ्रूट लाइक अपेयरेंस क्वेश्चन नंबर सिक्स इस ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ हाउ डू यू नो दिस क्या गोवा की जिंदगी में ब्रेड बहुत महत्वपूर्ण रोल महत्वपूर्ण तो भाग है क्या और आपको ये कैसे पता चलता है आंसर है यस ब्रेड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ हाँ ब्रेड जो है गोवा की लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इट इज़ नीडेड फॉर मैरिज गिफ्ट पार्टीज एंड फेस्ट एंड फॉर सैंडविचेस क्योंकि ये शादियों में गिफ्ट के रूप में पार्टी में फीसट में और सैंडविच के रूप में इसका उपयोग किया जाता है अब हम देखेंगे पार्ट टू के क्वेश्चन आंसर जो है कुर्ग र्ग कुर्ग कहाँ हैं आंसर है कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका तो ये कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है और कहाँ है ये इट इज सिटेड बिटवीन मिड वे मैसूर एंड मैंगलोर मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में है क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाउ पीपल्स डिसेंट्स कोडाऊ पीपल के जो वंशज हैं उनके बारे में क्या कहा जाता है इट इज़ बिलीव दैट कोडाउ पीपल आर ऑफ़ अरबिक ओरिजिन। ऐसा कहा जाता है कि जो कोडाउ पीपल हैं गोवा में ये अरबिक ओरिजिन के हैं मतलब इनके जो पूर्वज रहे हैं वो अरब से आए हुए थे क्वेश्चन नंबर थ्री वाट आर सम थिंग्स यू नो अबाउट इट अब पूछा गया कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं पहला है द पीपल ऑफ कुरगल कुर्ग के लोगों के बारे में आंसर है दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब्स तो ये माना जाता है कि ये ग्रीक या अरब लोगों के वंशज हैं क्वेश्चन नंबर टू द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग कुर्ग की मुख्य फसल क्या है आंसर इज कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग कुर्ग की मुख्य फसल है कॉफ़ी क्वेश्चन नंबर थ्री द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू अ टूरिस्ट टूरिस्ट को कौन सा स्पोर्ट्स Uh, यहाँ पर देखने को मिलता है आंसर है इट ऑफर्स रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग तो कौन कौन से स्पोर्ट्स uh, हैं वो हैं रिवर ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो एडवेंचरस हैं रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग है ना पहाड़ पर चढ़ना पहाड़ से उतरना ये सब चीजें क्वेश्चन नंबर फोर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन द कुर्ग कौन से एनिमल्स दिखते हैं कुर्ग में तो कुर्ग में दिखते हैं मैकअप्स मैलबर स्क्रल लैंग स्लैंडर लोरिस एल तो वो जो है यहाँ के जो दिखने वाले एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर स्क्वीर से है ना गिलहरी हैं लंगूर हैं एलिफेंट्स हैं ये यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर तो बेंगलोर से इसकी दूरी कितनी है और यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है आंसर है कि रोड से पहुँचा जा सकता है और इसकी दूरी है लगभग 250 से 260 किलोमीटर इतने इजी लैंग्वेज में मैंने इन आंसर्स को आपको लिखवाया है आप एक बार में पढ़कर ही याद कर लेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए आपको आसानी से इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट uh, में आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं ओके थैंक यू स्टूडेंट्स